नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। कैसे आप लोग दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। फिर से हाजिर हो गए आपके सामने कमाल की टेक वीडियो लेके। दोस्तों उम्मीद करता हूँ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले दोस्तों। और हाँ, अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूले दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से वीडियो। मैं आमिर और आप देख रहे हैं टेक्नो फ्लाइंग। तो जल्दी से शुरू करते हैं अपनी ये वीडियो। गूगल का पिक्सल फोल्डेबल डिवाइस साल लॉन्च हो सकता है, जिसकी जानकारी एक इंटरनल एंड्रॉइड डॉक्यूमेंट्स के जरिए सामने आ गई है। लेटेस्ट खबरों से इशारा मिलता है कि गूगल ने अपने पहले फोल्डेबल डिवाइस पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसे साल 2021 में लॉन्च कर दिया जाएगा। फोल्डेबल डिवाइस के साथ इंटरनल डॉक्यूमेंट्स में ये भी संकेत मिले हैं कि गूगल पिक्सल 5a और कम से कम दो अन्य डिवाइस के साथ एंड्रॉइड बिल्ड भी डेवलपर कर रहा है। माना जा रहा है कि पिक्सल 5a हाल ही में लॉन्च हुआ पिक्सल 4a का ही अपग्रेड वर्जन होगा। गूगल ने इंटरनल एंड्रॉइड डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस किया है, जो कि सार्वजनिक रूप से लॉन्च हुए सभी पिक्सल फोन और कुछ अघोषित फोन के बिल्ड को लिस्ट करता है। इसमें पिक्सल 5a शामिल है, जिसका कोड नेम बारबीचे दिया गया है। इसके अलावा फोल्डेबल फोन को कथित रूप से पासपोर्ट कोड नेम दिया गया है। वहीं जो अन्य डिवाइस को जो अंडर डेवलप्ड है, उन्हें रावन और ओरियोल कोड नेम दिया गया है। अटकलें लगाई जा रही है कि रावन और ओरियोल पिक्सल सीजन 6 के कोड नेम हो सकते हैं, जो कि साल 2021 में लॉन्च किए जा सकते हैं। इंटरनल डॉक्यूमेंट्स में साफ तौर पर पासपोर्ट कोड नेम डिवाइस को फोल्डेबल बता रहा है। रावन, ओरियोल और पासपोर्ट कोड नेम डिवाइस को साल 2021 की चौथी तिमाही के साथ लेबल किया गया है, जो कि इसकी लॉन्च टाइमलाइन की ओर से भी संकेत हो सकता है। आपको बता दें कि पिछले साल से खबरें हैं कि गूगल अपने पहले फोल्डेबल डिवाइस पर काम कर रहा है। यही नहीं, गूगल के एग्जीक्यूटिव मारियो ने भी पुष्टि की थी कि कंपनी वास्तव में फोल्डेबल डिवाइस के साथ एक्सपेरिमेंट कर रही है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि कंपनी को अपना पहला फोल्डेबल लॉन्च करने की कोई जल्दी नहीं है। आपको बता दें कि पिछले साल गूगल ने एक पेटेंट फाइल किया था, जिसमें गूगल को फोल्डेबल स्मार्टफोन का प्रोटोटाइप डिजाइन देखने को मिला था। इस फोन में एक ऐसा डिस्प्ले फीचर दिया गया है जो कि अंदर की ओर से फोल्ड होता है। डिजाइन उन फोल्डेबल प्रोटोटाइप से एक हो सकता है जिन्हें गूगल ने टेस्ट किया हो। फिलहाल पिक्सल फोल्डेबल फोन को लेकर कोई असल लीक फिलहाल सामने नहीं आई है। इसकी वजह से फिलहाल फोन के डिजाइन को लेकर किसी तरह की अटकलें नहीं लगाई जा सकती। तो गाइस, वीडियो कैसी लगी आपको? आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपको वीडियो जैसे भी लगी दोस्तों, अपने सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में डालना ना भूले दोस्तों, ताकि हमें पता लग सके आपको क्या चाहिए दोस्तों, आपको हम फटाफट से वो अपडेट दे सकेंगे दोस्तों। और हाँ, अगर आप वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए दोस्तों, ताकि आप तक हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे दोस्तों। और हाँ, अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक करें और मेरे पेज को फॉलो करके जरूर जाएं दोस्तों, क्योंकि हम वहाँ पे आर्टिकल पोस्ट करते हैं, काफी कुछ आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे नया। तो आप जैसे ही फॉलो करते हैं आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा मेरे आर्टिकल का दोस्तों। और ऐसे वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहें। और हाँ, आपको बताना चाहता हूँ कि हम ब्लॉग भी लिखते हैं दोस्तों। ब्लॉग हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आपको दोस्तों, वहां से जाके आप ब्लॉग देख सकते हैं। तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली पेशकश के साथ, एक कमाल के कंटेंट के साथ दोस्तों। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और अपने और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।